नामांकन के पहले दिन अपना नामांकन दाखिल करने के लिए सहारनपुर पहुंचे रामपुर मनिहारान विधानसभा क्षेत्र से विधायक देवेंद्र निम ने चुनाव के समय पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को लेकर कहा है कि अब जनता जाग चुकी है, जनता सब देख रही है, मौन है और इसका जवाब चुनाव में देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश में एक बार फिर से रिपीट हो रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में काफी विकास हुआ है और इसी विकास के बल पर अब हम लोगों से वोट मांग रहे हैं। नहीं, मुद्दे तो कभी भी ख़त्म नहीं होते, मुद्दे को लेकर ही हमें जनता चुनती है, क्योंकि हर विधायक हर सांसद लगातार अपने क्षेत्र के मुद्दे को विधानसभा में और संसद में उठाने का काम करता है और हम भी लगातार 5 साल विधायक रहे, लगातार विधानसभा में अपने क्षेत्र के मुद्दे को, अपने जिले सहारनपुर के जो मुद्दे थे उनको उठाने का काम किया और लगातार इनको उठाने का काम करते रहेंगे। तो कितना मुकाबला किससे मानते हैं, मुख्य मुकाबला अपना? हमारा मुकाबला, मैं कह रहा हूँ कि लगातार हम लोग, जनता का हमें आशीर्वाद मिल चुका है, हर जगह पर हर समाज में हमें अभी से ही जन पूरा समर्थन मिल चुका है। हमारा मुकाबला किसी से नहीं, हमारा पूर्ण तरीके से जनता ने हमें बिल्कुल समर्थन दे दिया, अपना आशीर्वाद दे दिया। अब तो बस तारीख हमें तय करनी है कि कब जल्दी से वो काउंटिंग की तारीख हो और फिर एक प्रचंड बहुमत की सरकार योगी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में बनने जा रही है। विधायक जी, आपने कहा जनता ने समर्थन दे दिया, लेकिन आपके जो साथी हैं, जो साथी विधायक हैं, साथी मंत्री गए हैं, वो छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका नहीं, वो उनके लाभ होगा समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? ये सब कुछ जनता देख रही है, कौन छोड़ के आ रहा है, कौन छोड़ के जा रहा है। ये आज की जनता, इतनी मैं धन्यवाद दूंगा अपनी जनता को कि हमारी जनता इतनी ज़्यादा जागरूक हो चुकी है कि वो बहुत मौन रूप से देख रही है किस पार्टी ने, किस विधायक ने, किस मंत्री ने 5 साल क्या काम किया और अब वो कहाँ पर खड़ा है। तो मुझे यहाँ से आपके चैनल से बोलने की ज़रूरत नहीं है, जनता सब कुछ देख रही है और उसका जवाब जब समय आएगा तो जनता उन सभी को बहुत मजबूती से जवाब देने का काम करेगी।